हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, यानी कि चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पूरी तरह अगर आपने पढ़ लिया है, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, जो उसमें फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं उनको याद करना है, तभी आप लोग आगे के न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ, जिसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, फुल चैप्टर एक वीडियो में भी, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नंबर वन न्यूमेरिकल आपके सामने है कि 5 × 10⁻⁸, ठीक है, माइनस है, कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी आपको यहाँ पर आवेश दिया गया है 5 × 10⁻⁸, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आवेश है बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो देखिए, आपको जो जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो क्यू इक्वल टू हमें दिया गया है आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है। उसके बाद में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, समझ में आया, 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें निकालना है कितनी दूरी पर, हमें दूरी निकालनी है, तो आर, दूरी को हम आर से डिनोट करते हैं, और ये हमें निकालना है। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। ये सूत्र मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, सॉल्व भी इसका डेरिवेशन भी कराया था। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर E दिया गया है, तो हम E को, E की वैल्यू लिख लेंगे। E की वैल्यू है 450, ठीक है, इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना होता है, बताइए, 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसकी जगह पर 9 × 10⁹ इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू दी गई है हमें 5 × 10⁻⁸ √r², हमें r की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम √r² को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, इस √r² को हम इधर ले जा सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो √r² का इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, और इस 450 को इधर गुणे में है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। √r² को अगर हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग में है। तो हम लिख सकते हैं √r² इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁸ ये 450 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 450। अब देखिए, ये आपका 5 है, ठीक है, 9 से हम काटते हैं पहले, तो 9 से काटेंगे तो 9×9 और 9×5 = 45, 50 आएगा। इस 5 से हम इसको काट देंगे, देखिए 5.0, यानी कि ये 5 है, ठीक है, इसको हम ऐसे सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा क्या, आपका यहाँ पर बचेगा √r² इक्वल टू 10⁹ 10⁻⁸/10, ठीक है। देखिए, 10⁻⁹ ये बचा, 10⁻⁸ ये बचा, और 10 नीचे बचा, ठीक है, इतना बचा। अब देखिए, √r² को हम ऐसे कर देंगे, 10⁹ में से 10⁻⁸ जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 1 चला जाएगा तो 10 बचेगा केवल, 10⁻ बचेगा, तो हम 10 लिख सकते हैं, 5 × 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका √r² इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें, क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर जाएगा, तो जो इधर वाला गिनती है उसका अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा √1, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो 1 मीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ये आपको समझ में आ चुका होगा, यही होगा आपका जो बिंदु आवेश है उससे 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अब हम कह सकते हैं कि 5×10⁻¹ कूलाम बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है कि 1.5×10⁻³, ये -3 है, ठीक है, 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको आवेश दिया गया है, उस पर लगने वाला बल दिया गया है, अब आपसे वायु क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक फार्मूला आपको लगाना है, बस ये न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। देखिए हम लिख लेते हैं जो कुछ दिया गया है, क्यों हमें दिया गया है, 1.5×10⁻³ कूलाम, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है यहाँ पर बल F दिया गया है, तो F दिया गया है 2.25 न्यूटन। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E निकालनी है हमें, E हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = होता है F/Q, ठीक है, F/Q। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जब मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इस सूत्र को पढ़ाया था, ठीक है, कि किसी अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस अल्पधन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वायु छेद की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा E = F की वैल्यू हमें दी गई है 2.25 अपान क्यू की वैल्यू दी गई है 1.5×10⁻³, ठीक है, इतना हमें दिया गया है क्यू की वैल्यू। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे, सिंपल है, देखिए E = हम इस 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो 2.25×10⁻³ को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये 10⁻ नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे लाते तब भी चिन्ह बदल जाता, तो इसको हम ऊपर लाए हैं तो चिन्ह बदल चुका है, अपान 1.5, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको E = अगर हम 1.5 को, ठीक है, 1.5 को इससे 2.25 को काटें तो कितना आएगा, देखिए 2.25 में हम 1.5 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5 से हम 2.25 को काट सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो 2.25 का जब आप 1.5 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 1.5, ठीक है, तो यहाँ पर हमने काट दिया, आपका बचेगा 1.5×10³ न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो देखिए इतना भी आपका आंसर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो कैसे, E = 1.5 आपका ऐसे ही रहेगा गुड़े, हम 10³ को लिख सकते हैं 1000, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि 10³ का मतलब ही होगा 1000, ठीक है। अब देखिए E = 1.5 का 1000 में गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा, 1.10 दशमलव में चला जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, तो इतना आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब आप लोग की चॉइस, आप इसको भी लिख सकते हैं आंसर में, लेकिन अगर आप लोग और डीपली जानना चाहें तो इस प्रकार से भी सॉल्व करके इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं, जैसे 1.5×1000, अब देखिए 1 जीरो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, आपका 1500 बचेगा, तो 1500 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस न्यूमेरिकल में भी सिर्फ एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी फार्मूले पर ये लगा है, इस प्रकार से कई न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं सेम इसी फार्मूले पर।
पेपर। तो मैं यही कहूँगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसका जो फार्मूला है उसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि उस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सेम यही न्यूमेरिकल आए, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आए अगर इस फार्मूले से संबंधित तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ये थोड़े ईजी लेवल के थे, ठीक है। अब जब मैं आऊँगा तो थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी लाऊँगा ताकि आप लोग थोड़ा और ज़्यादा सीख सकें।